महाराष्ट्र भाजपा के चाणक्य अमित शाह की रणनीति आखिर कहाँ फेल हो गई। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश के लोगों को ये सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि आखिर अमित शाह की रणनीति कहाँ फेल हो गई। वे तो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं और उन्होंने अपनी इसी रणनीति के तहत देश के 74% हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दिया था। लेकिन देश की सबसे बड़ी औद्योगिक राजनीति और आर्थिक केंद्र मुंबई में उनसे कहाँ चूक हुई। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया और फडणवीस अजीत पवार के साथ मिलकर कुछ ज़्यादा ही मुगालते में आ गए और उन्होंने रातों रात योजना बनाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ खुद ने ले ली और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर अजीत पवार के साथ समझौता करने में देवेंद्र फडणवीस जल्दबाजी नहीं करते तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार की जिस तरीके से वापसी हुई है वो भी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि शरद पवार ने जो बिसात बिछाई उसमें न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक वापस लौट गए बल्कि अजीत पवार भी खेमे में ससम्मान वापस आ गए। शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर जो रणनीति बनाई वो भी सफल रही। उन्होंने अजीत पवार को इस बात के लिए पूरा मौका दिया कि वो अपनी गलती मान ले, वापस लौट आए, और ऐसा हुआ भी। अब सवाल इस बात का है कि शिवसेना और कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीनों मिलकर सरकार चला लेंगे। राजनीतिक समीक्षकों ने ये बात भी स्वीकार की है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य से कहीं ना कहीं कोई बड़ी भूल हुई है और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र की सत्ता भाजपा के हाथ से निकल गई। भारतीय जनता पार्टी ये समझने में भी असफल रही कि वास्तविक बहुमत अजीत पवार के साथ नहीं बल्कि शरद पवार के साथ है और बस यहीं पर भाजपा गच्चा खा गई। उन्होंने अजीत पवार पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया और इसी भरोसे का नतीजा था भाजपा को अजीत पवार ने धोखा दे दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।